हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मेरा नाम अदनान खान है एंड हम K9 स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं. स्कूबर्स टीम ने आके हमें ये कवर किया है, हमारा पूरा सेंटर. सो लेट मी शो यू द होल प्लेस. सो हम छतरपुर में बेस्ड हैं, साउथ दिल्ली. ये वसंत कुंज के पास पड़ता है, बिटवीन वसंत कुंज एंड गुड़गांव. एंटर करते ही दिस इज़ आर वेटिंग एरिया. तो मोस्टली हमारा ये प्राइमरीली एक डॉग होटल है, 5-स्टार लग्जरी डॉग ट्रेनिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी. तो ये हमारा आगे ऑफिस है, मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ. इट्स नथिंग फैंसी बट बेसिक. हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, रिसेप्शन, थोड़ी हमारी जो मेरे इंटरनेशनल ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. यू कैन सी सम ऑफ दीज ओवर हियर. ये जर्मन पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे को सिखाई थी ट्रैकिंग, पुलिस ट्रैकिंग. फिर एक बेल्जियन ट्रेनर आए थे, डॉक्टर आंद्रे. फिर ये बॉम्ब डिटेक्शन सेमिनार है. ये हमारे अथीना और जायन के अवार्ड्स हैं. ये हमारी बॉम्ब स्निफिंग की सर्च बोर्ड है जो मैं स्पेशली हैंडमेड जर्मनी से लेके आया था, K9detectiontools.de. तो इसमें हम अलग अलग एक्सप्लोजिव की सेंस डालते हैं, डॉग उनको सर्च करते हैं. सो ये हमारा छोटा सा ऑफिस है. इट्स वेरी मॉडेस्टली साइज्ड बट यू कैन सी. हमारा एंटर करते ही यहाँ पे 5-स्टार लग्जरी बोर्डिंग फर्स्ट होटल बिल्डिंग विंग पड़ता है. आई विल शो इट इनसाइड. मोस्टली यहाँ पे डॉग्स जो हैं वेकेशन पे रहने आते हैं और इसका इंसुलेशन लेवल बहुत हाई है. बाहर कितनी भी गर्मी हो, यहाँ हम 15 डिग्रीज से भी ठंडा रख सकते हैं. दिस इज़ द ओनली बोर्डिंग सेंटर इन इंडिया प्रॉब्ली जिसका अपना UPVC एयर टाइट डोर्स एंड विंडोज़ हैं, जो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ और इन सब जगहों पे यूज़ होते हैं, मीडिया फैसिलिटीज. सो मोस्टली सारे डॉग्स जो हैं यहाँ पे बोर्डिंग के लिए आए हैं. वैसे तो शिबा इनू. फिर ये इंडी डॉग है. हमारे पास 3 एयर कंडीशनर्स हैं, 3 AC हैं. ऊपर आपको दिखेगा ब्लैक फोम है, ब्लैक कलर का. ये सारा इंसुलेशन के लिए है. ये हमारे जायंट ब्रीड के कैनल्स हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ बिग रूम, 9x9, 8x8. यू कैन सी सारी तरह की ब्रीड्स हमारे पास रहने आती हैं. पिटबुल, बुल मैस्टिफ, ये फ्रेंच बुलडॉग. ये जर्मन शेपर्ड है, ये अभी USA ट्रैवल करने वाली है, तो इसकी ट्रेनिंग चल रही है US के लिए. ये हमारा ऑफिस एंड सिक्योरिटी डॉग ट्रेनिंग फैसिलिटी. आके दिखा देता हूँ. यहाँ पे मेरे सारे पर्सनल सिक्योरिटी डॉग्स रहते हैं. सारी ब्रीड्स आपको मिलेगी, डच, पिटबुल, जर्मन शेपर्ड, बेल्जियन, रॉटवाइलर, सारे आपको गार्ड डॉग्स यहाँ पे एक ही रूम के अंदर. सो ये सबसे डेंजरस रूम हमारी फैसिलिटी का कहलाया जाता है. देन दिस इज द किचन. ये हमारा डॉग्स का किचन है. यहाँ पे उनकी सारी नोटिसेस एंड रिपोर्ट्स एंड सारे स्केड्यूल्स, क्या खिलाते हैं, क्या टाइमिंग है, सारी डॉग की मेडिकल कंडीशंस. ये पूरा स्पेसिफिकली डॉग्स के लिए किचन डिज़ाइंड है. यहाँ पे हमारे डॉग्स फ्लाइट ट्रेनिंग और क्रेट ट्रेनिंग के लिए आते हैं. जिन जिनको ट्रैवल करना होता है अब्रॉड, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है. हम उनको क्रेट में रहना सिखाते हैं एंड देन दे कैन फ्लाई, दे कैन गो टू US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑल दिस प्लेसेस. ये फैसिलिटी का साइज है 1 acre अराउंड एंड इसको मैंने पूरा एक 4 सेगमेंट्स में स्प्लिट कर दिया था. सो फर्स्ट पार्क ये है, इसका नाम है मड फील्ड. तो इसमें मैंने यमुना सैंड पूरी भरी थी 2-3 ट्रक भर के, अब थोड़ी कम हो गई है. सो द आइडिया इज़ यहाँ पे यमुना सैंड इसलिए है क्योंकि डॉग्स को हिप डिस्प्लेजिया या आर्थराइटिस नहीं होता अगर वो इस पे जंप करते हैं, प्ले करते हैं. इफ़ दे बाउंस अराउंड दे विल नॉट गेट हर्ट.
सो दिस इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर एथलेटिक डॉग्स, दे विल नॉट गेट इंजर्ड। एंड ये हमने मैनुअली मेड पार्क है, नेचुरल ग्राउंड के ऊपर हमने यमुना सैंड का कवरेज बनाया हुआ है इसमें। सो एंड चारों जो हमारे पार्क्स हैं उसकी अलग अलग यू कैन से टेक्स्चर और टेरेन्स हमने यूज़ करें उसमें। So this over here is the seminar field. So this field has been famous for holding international seminars, and यहाँ पे judges और trainers और बाहर से बहुत सारे लोग seminar देने आए हैं, from USA, from Finland. मैंने अपने यहाँ पे खुद ही 10 या 11 batches training courses के करें। So इस field में हमने बहुत सारे training events और seminars करें जिससे dog training community India में grow हुई है, build हुई है। In fact, canine school itself has trained more than 100 trainers all over the country, जिन्होंने अपने careers और profession छोड़ के dog training में आने का interest रखा है। So this is the seminar field. Let's move to the next park. So this is my dog gym center, you can say. So it has its own swimming pool, human size, around 6 feet ki depth hai iski, and 20 feet by 13 feet ka iska width hai. Abhi it's under maintenance because of the rain. So barish mein hum swimming ka zyada wo nahi karte. So right now this center is under maintenance because of the COVID times. Then this is our spa and gym facility. तो यहाँ पे आपको हमारे पर्सनल डॉग्स के लिए, बाहर के डॉग्स की ग्रूमिंग नहीं होती, पर हमारे पर्सनल डॉग्स का आपको स्पा और ट्रेडमिल और जिम एरिया आपको दिख जाएगा। सो ये ट्रेडमिल हम दो नई ट्रेडमिल्स यहाँ पे लेने का प्लान कर रहे हैं, एंड वी विल बी सून रेनोवेटिंग दिस स्पा सेंटर एज वेल। So this is first of its kind center, you can say, यहाँ पे North India में we are the first of its kind facility, जिन्होंने Delhi और North India में therapy dogs का concept भी introduce किया है। And first time है कि हमने अपने हाथों से without having any doctor, hip dysplasia, arthritis, even paralyzed dogs को हमने अपने खुद से ट्रीट किया है डॉक्टर्स के साथ मिलके, जिसमें ये यमुना सैंड, ये स्विमिंग पूल, और आप अगर वहाँ देखेंगे तो वो हिल भी मैंने खुद अपने खुद मैनमेड डिज़ाइन करी है। सो एक 8 फीट की हिल है, अगर आपको पास से दिखाता हूँ, तो ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन रहता है। अगर डॉग की टांगें ख़राब हो गई हैं, अगर उनको हिप डिस्प्लेजिया हो गया है, अगर वो पैरालाइज हो गए हैं, सो आई ब्रिंग देम इन, मैं उनकी डाइटरी चेंजेस पूरी लाता हूँ, एंड फिर उनको हिल पे हम मूवमेंट कराते हैं, स्विमिंग कराते हैं, हाइड्रोथेरेपी और टेरेन थेरेपी प्लस अ फ्यू अदर डाइट प्रोग्राम्स। वी हैव हैड डॉग्स जो लिटरली हमारे पास आए थे तो वो चल नहीं सकते थे, उनको हम चादर पे कैरी करते थे, और एक हफ्ते में या कुछ सेशंस के बाद वो स्टैंड होने लगे थे, और कुछ और सेशंस के बाद बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनका चलना भागना सब कुछ पॉसिबल हो गया था। वेट्स ने, काफ़ी सारे वेट्स ने जो स्टेरॉइड्स देते थे और लेज़र ट्रीटमेंट करते थे, उन्होंने डॉग्स पे जब होप गिव अप कर दिया था तो हमारे पास भेजते हैं, बिकॉज वी हैव दिस वेरी मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ जस्ट यूजिंग एक्सरसाइज एंड स्विमिंग एंड डाइट, एंड हम डॉग्स को ऑलमोस्ट पैरालाइज से वापस चलाने के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वी हैव सम पपीज़ हियर अंडर ट्रेनिंग, सो उनको हम अभी निकालेंगे, देन वील हैव देम रनिंग अराउंड एंड ऑल। सो दीज टू रूम्स आर अगेन फॉर आर ट्रेनर्स एंड आर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स। सो एनी वन हु कम्स एंड ट्रेन्स विद अस, स्टेज विद अस, तो उनको हम यहाँ पे अकोमोडेशन भी देते हैं, ठहराने को भी देते हैं। हियर यू कैन सी हाउ ऑल द पपीज आर स्टेइंग, ट्रेनर का रूम मिलता है, फुली एयर कंडीशन। सो दिस इज़ ऑल्सो द सेम फैसिलिटी विच वी कॉल वर्किंग डॉग फैसिलिटी, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। तो ये हमारी फैसिलिटी का सबसे बड़ा पार्क है, एंड अभी इट स्टिल नीड्स अ लिटिल बिट मोर टेंडिंग टू एंड स्टफ, बट दिस फैसिलिटी हैज़ इज़ यूज्ड फॉर ट्रेनिंग बॉम्ब स्निफर डॉग्स, इज़ यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंटी पोचिंग डॉग्स, वी ट्रेन फॉर पुलिस ट्रैकिंग ऑल्सो। एंड इसी फैसिलिटी पे हमने बहुत सारे इंटरनेशनल डॉग स्पोर्ट्स के PSA के डॉग्स ट्रेन करे हैं, जिनको हम प्रोटेक्शन और ओबीडियंस सिखाते हैं। ऑल ओवर दिल्ली, ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया से ट्रेनर्स भर के हमारे पास आते हैं, हमारे सेंटर पे हम साथ में मिलके ट्रेन करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं जिसको अपने डॉग को आगे बढ़ाना है, एंड फिर हम बाहर से जज बुलाते हैं जो हमें हमारे लेवल को, हमारे ट्रेनिंग लेवल को जज करके
वो सर्टिफिकेट्स दे पाए. सो वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ट्रेनिंग. वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इन इंडिया. पहले जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग होता था वो यही था कि डरा के डॉग को, परफॉर्मेंस तो हम करा देंगे, सिट डाउन स्टैंड ये सारी चीज़ें हम करा देंगे, बट अल्टीमेटली डॉग आपको रिस्पेक्ट कितना करता है, आपके साथ उसका बॉन्ड कितना है, वो खुद कितना खुश है, इज़ द डॉग हैप्पी इनफ, आर दे मोटिवेटेड इनफ. तो ये चीज़ें हैं जो हम डॉग की डीपर माइंडसेट में, डॉग की साइकोलॉजी को लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों को सिखाते हैं. दैन दिस इज़ माई वर्किंग डॉग कैनल. अगेन दिस कैनल इज स्पेसिफिकली फॉर द सिक्योरिटी डॉग दैट कम टू अस. तो यहाँ पे आपको अभी तो अगेन ये लैब है, ही इज़ फ्रॉम रशिया, ही इज़ ऑल्सो ट्रेन्ड इन बॉम्ब डिटेक्शन. Then he's a cricket stadium sniffer dog, bomb sniffer dog. These dogs are indie dogs for adoption. तो ये जितने भी हैं ये मैंने adopt करी हुई है. ये भी dog है for adoption. तो हम काफ़ी rescues और adoptions भी कराते हैं dogs का. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. दिस इज अदनान खान अगैन फ्रॉम केनाइन स्कूल. अगर आपको कुछ भी और आगे जानना है, इफ़ यू वॉन्ट टू रीच आउट टू अस, दैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट आइदर केनाइन स्कूल डायरेक्टली और गो टू स्कूबर्स पेज एंड रीच आउट टू अस. माई नंबर इज़ 9811302000. ये मेरा पर्सनल नंबर है. प्रेफरेबली आप यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज और यू कैन ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप. एनी थिंग यू वॉन्ट टू नो अबाउट डॉग ट्रेनिंग, पेट डॉग ट्रेनिंग, अगर आपको डॉग ट्रेनिंग खुद से एक प्रोफेशन ज्वाइन करना है, यू कैन रीच आउट टू मी. अगर आपको कोई भी वर्किंग डॉग ब्रीड्स के बारे में जानना है, उनके पपीज़ के बारे में, उनके बेस्ट ब्लड लाइन्स के बारे में, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. आई स्पेशलाइज इन बेल्जियन शेपर्ड्स, जर्मन शेपर्ड्स, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर. ये ब्रीड्स हैं जो मैं पर्सनली ट्रेन करता हूँ एंड मैं उनको एडवोकेट भी कर सकता हूँ. माई मेन एंड मोस्ट फेवरेट डॉग इज़ द डच शेपर्ड, जिसको मैंने इंडिया में इंट्रोड्यूस काफ़ी सालों से करता आ रहा हूँ. आई हैव बीन पुशिंग दिस ब्रीड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. सो एनी थिंग यू नीड टू नो अबाउट डच शेपर्ड्स एज वेल, reach out to us on Canine School. We have our YouTube page and Instagram as well. And thank you very much for the Scoobers team for dropping in and covering us. This was really, really fantastic. Thank you. So thank you guys for watching me on Scoobers YouTube channel. So अपने upcoming next दो videos में मैं आपको Belgian Shepherds की पूरी profile बताऊँगा, उनकी breed history, वो बनी क्यों हैं, वो why is it becoming a favorite breed, उनका experience क्या है, achievements क्या हैं, ये चीज़ें मैं आपको upcoming video में बताऊँगा.